कल हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप फंडामेंटल, और उसमें पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पार्टनरशिप किस एक्ट में आता है, पार्टनरशिप डीड, रूल्स अप्लीकेबल विदाउट पार्टनरशिप डीड, ऐसी बहुत सारी बातें पढ़े थे। तो मैं सबसे पहले तो पूछूंगा कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ये याद रखना। डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके आगे हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, पार्टनरशिप में कितने मिनिमम मेंबर होते हैं? 2। और मैक्सिमम 50। मैक्सिमम होते हैं 50 और कंपनी के हिसाब से 100। यहां तक हमारी बातचीत हुई थी। और मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां कहां लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। बहुत ही बढ़िया। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। और अगर मान लो फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उत्कर्ष कहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो? गलत। उत्कर्ष यार, तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो और ऐसे बेवकूफी भरी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो करेंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, करेंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो आज हमारी पूरी बातचीत या पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। किस पर रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और आप लोग एकदम स्मार्टली हर चीज को ध्यान देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जब बातचीत आ रही है तो थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करोगे तो बिजनेस के लिए ये इनकम है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये इनकम है, और इनकम है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कहां जाएगा? क्रेडिट से। और इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से आपका कैपिटल रिड्यूस होगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाता है? डेबिट साइड। अब लोगों की आदत बड़ी अलग अलग होती है। अब यहां हमारा भौमिक बैठा है तो भौमिक की आदत एक अलग ही है। यहां पे जो भी बैठे हो तुम लोग, सबकी अलग 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 आदत है। कोई बोलता है यार मैं ड्राइंग जो होगा वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ करूंगा। कोई बोलता है मेरे को फर्स्ट डे नहीं जमता यार, अपन तो बीच में निकालेंगे, हर महीने की 15 तारीख को निकालेंगे। कोई बोलता है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ करूंगा। कोई कुछ बोलता है, कोई ऐसा होता नहीं नहीं मेरे को तो क्वार्टरली निकालना है। तो बड़े अलग अलग तरीके से लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करते हैं। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को समझने की कोशिश करेंगे। हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या ले रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाता है बताइए आप लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाएगा? एक्टिव रहिए आप लोग, एक्टिव रहेंगे तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे, सोएंगे तो कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाता है? और ठीक, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और अगर फिक्स बना रहे हैं तो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। अब हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे रेट हम लोग कॉमन मान लेते हैं, रेट मान लो 10% हम कॉमन लेके चल रहे हैं। ऐसे एज्यूम कर लें कि 10% रेट हमने एज्यूम कर लिया। मान लो पहला पॉइंट ये बोलता है ए विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, ए विड्रॉन 1000 पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने की पहली तारीख को ये कितना निकालता है? 1000। ए विड्रॉन 1000 पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, इस पार्ट पे ध्यान देंगे। ए विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए 1000 फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो 1000 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा? 12000। रेट हमने 10% मान लिया है, 10/100 इंटू 6.5/12 इंटू 6.5/12 यानी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? 6.5/12। यहां तक ओके हो आप? अब ये 6.5 कैसे आया? तो पहली बार जब आप पैसा निकालोगे, मान लो फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो, तो जब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ यानी 1 तारीख को निकाल रहे हो तो जब पहला पैसा निकालोगे कितने महीने बचे रहेंगे? 12 महीने। कितने महीने बचे रहेंगे? 12। 12 मंथ बचे रहेंगे। और लास्ट टाइम जब निकालोगे 1000 तो कितने मंथ बचे रहेंगे? 1। तो 12 + 1/2 करोगे तो क्या आएगा? 6.5। ये हो गया एवरेज। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 6.5/12 करेंगे।
वैसे प्रोडक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, 1000 निकाले हो तो मल्टीप्लाई बाई 12 होगा, फिर 1000 निकालोगे मल्टीप्लाई बाई 11 होगा, फिर 1000 निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। तो इतना टाइम हम लोग सीबीएसई में नहीं दे सकते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। तो इजी कॉन्सेप्ट में क्या है, ए विड्रॉन 1000 पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अमाउंट हो गया 12000, रेट था 10%, अगर 6% रेट रहेगा तो 6 लिखेंगे, इनटू 6.5 बाय 12। अब 6.5 कैसे आया, 12 + 1, अंडरस्टैंड ना, क्लियर ना, क्लियर है, नहीं क्लियर होगा थोड़ा सेकंड पॉइंट में और क्लियर हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट को हम ले, 1000 पर मंथ विड्रॉ हो रहा है मिड डे ऑफ ईच मंथ, मिड डे ऑफ ईच मंथ यानी हर महीने के बीच में निकालता है 1000, मिड डे ऑफ ईच मंथ बोल रहा है ना, हर मंथ के क्या कर रहा है, बीच में निकाल रहा है। तो 1000 × 12 करोगे कितना हो गया, रेट क्या था 10% इंटू 6/12, मिड डे ऑफ ईच मंथ 6/12। अब ये 6/12 कैसे आएगा, जब फर्स्ट टाइम निकालेगा तो 15th को निकालेगा तो कितना बचेगा 11.5, कितना बचेगा 11.5, वेरी गुड। और जब लास्ट वाला निकालेगा तो कितना बचेगा 0.5। तो ये अपन लिख रहे हैं मान लो, और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो क्या आएगा, 6 आएगा, आएगा 11.5, लास्ट वाला निकाले 0.05 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 6। और मिड डे ऑफ ईच मंथ, बीच वाला यार, मिड डे बीच वाला, समझ आ रही बात ना, तो बीच वाला रहेगा तो 6/12 मिड डे निकालता है। थर्ड केस को हम लोग लेते हैं, अगर थर्ड केस को हम लें तो थर्ड केस में क्या आएगा, अगर मान लो ऐसा बोलता है 1000 लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर 1000 निकाल रहे हैं लास्ट डे ऑफ ईच मंथ तो साल भर में कितना हो गया 12000, रेट हमने 10% कॉमन लिया है, अगर 6% दिया रहेगा तो 6 लिखेंगे, 4% दिया रहेगा 4 लिखेंगे, 5 देगा तो 5 लिखेंगे, हमने 10 कॉमन लिया तो रेट हो गया 10/100 और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12, क्लियर। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन होते हैं कई बार आपको सीबीएसई में 1 मार्क्स के आएंगे, सिर्फ इतना ही पार्ट निकालना रहेगा, फर्स्ट डे मिड डे लास्ट डे या और भी जो टाइप्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी सब क्लासरूम में भी फॉलो करेंगे ना, सब वीडियो में ही थोड़ी करोगे फॉलो, हाँ तो लाइव क्लास में तो साथ साथ में जो चल रहा है, इसके अलावा जो एडिशनल जो डाउट क्लास होगी डाउट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक। तो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में क्या होगा 5.5/12, ये कैसे आया, लास्ट डे निकालोगे कितने मंथ बचेंगे, लास्ट डे निकाल महीने के लास्ट में निकाल रहे हैं, लास्ट में निकाल रहे हैं तो कितने महीने बचेगा 11 महीने, और एकदम लास्ट में निकालोगे 0 अंडा पे, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 5.5। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में क्या था, आप देख रहे थे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में 6.5, मिड में क्या था 6, लास्ट में क्या था 5.5, ओके। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलिए जोर से बोलिए 6.5/12, मिड डे 6/12, लास्ट डे 5.5/12, और बाकी पार्ट को तो हम लोग चेक कर ही रहे हैं, ओके है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग की और गजब की आदत होती है, वो क्वार्टरली निकालते हैं, क्या निकालते हैं क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब होगा पौवा, क्वार्टर क्वार्टर पौवा बे, ठीक है, तो पौवा एक पौवा, तो एक पौवा एक पौवा एक पौवा एक पौवा, ऐसा करेंगे कितना हो जाएगा बंपर हो जाएगा, तो साल में कितने क्वार्टर होंगे, हाँ एक बंपर में 4 क्वार्टर है ना, तो साल में कितने क्वार्टर होंगे 4 क्वार्टर, क्वार्टर 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 यानी एक क्वार्टर कितने दिन का होगा 3 मंथ का, एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार, ऐसा करके निकालेगा क्वार्टरली। अब क्वार्टरली अगर हम लोग निकालेंगे तो क्वार्टरली में हमारा क्या होगा, अगर मान लो क्वार्टरली निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में देखा रेट बाई 10% कॉमन रखेंगे, रेट कॉमन रखेंगे, तो अगर सम ये बोलता है, ये हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं कि 2000 फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, बराबर है, तो कितने पौवा हो रहे थे 4, तो 2000 × 4 = 8000 हो गया 8000, रेट हमारा कॉमन था 10% × 7.5/12,
12। नेक्स्ट जो अगर फिर से लेते हैं हम लोग, अब ये 7.5 कैसे आया, इसके ऊपर थोड़ी बातचीत हो जाए। तो जब पहली बार निकाला होगा, मैंने एक आपको बात बताई थी कि ये चार क्वार्टर है, 1 2 3 कैसे हुआ, 1 2 3 4 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो फर्स्ट डे आप ईच क्वार्टर ने यहां निकाला होगा, तो कितना बचा है, कितने कितने मंथ बचे हैं, 12। कितने मंथ बचे हैं, 12 बचे हैं। अगर हम लोग देखें फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर जब यहां निकालेगा तो कितने महीने बचेंगे, 12, और यहां निकालेगा लास्ट क्वार्टर में कितने बचेंगे, 3। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 7.5। क्या आएगा, 7.5। इसीलिए यहां 7.5/12 आया। क्लियर? यस सर। अब अगर यहां पे ये कहे कि 2000 मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर, बोल सकते हैं बात, मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर, मिड मतलब क्या मालूम है, ये जो 3 मंथ का क्वार्टर इसके बीच में निकाल रहा है, यहां अगर यहां निकालेगा तो टोटल बचेगा कितना, 10.5। ये 3-3 महीने के क्वार्टर है, इसके बीच में जा रहे हैं, मतलब 1.5 मंथ निकल गए, इसके बीच में निकाला है तो 10.5 आया, और लास्ट वाले निकालेगा तो यहां क्या आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा, 6। मिड डे तो जानते ही हो, तो बीच वाली जहां भी बात होगी तो 2000 मिड डे ऑफ ईच मंथ, 2000 × 4 रेट 10%, मिड डे होने से 6/12। और ये कैसे निकला है मैंने बताया, मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर कैसे निकला है मैंने बताया, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार रिवाइज करके देखो ना वीडियो, एक ही बार में थोड़ी समझ में आ जाएगा। मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर के मिड, मिड में गए मतलब 1.5 मंथ कट, 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आ गया, 6। अगर यहीं पे ऐसा लिख दे कि 2000 लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो 2000 × 4 फिर यहां 8000 हो गया, रेट क्या था, 10%, और लास्ट डे होगा तो 4.5/12। अब 4.5 कैसे आया, लास्ट डे यानी क्वार्टर के यहां निकाला तो आएगा 9 मंथ, और लास्ट डे यहां निकाला तो आएगा 0 मंथ, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4.5। यानी फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में क्या था, 7.5, मिड डे में क्या निकला, 6, और लास्ट में क्या निकला, 4.5, और बाकी कैसे निकला उस पार्ट को मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा झंझट नहीं पालते, उनको ज्यादा लफड़ा नहीं पालने का, वो क्या बोलते हैं कि यार ड्राइंग 50,000, ये हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अभी, 7th, ड्राइंग कितना बोलता है वो, 50,000, और रेट था 10%। देखना 50,000 रेट कितना था, 10%। तो हम क्या करेंगे, इस 50,000 का सीधे 10% निकालेंगे, जो आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम ना कि ये 10,000 और रेट क्या लिखा है, 10%। कुछ नहीं करना है, सीधे 10% 1 ईयर का निकालना है। लेकिन यहीं पे एक बात और ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन अगर यहां पे ड्राइंग लिखता, सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ड्राइंग है 50,000 है, रेट जो है 10% पर एनम है, क्या है डार्लिंग, पर एनम। तो यहां पे जो ड्राइंग निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 50,000 × 10/100 × 6/12। ओके, कब ऐसा होगा, जब पर एनम दिया होगा। अंडरस्टूड, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट कि कहीं कोई तकलीफ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहां पे ऐसा लिखा हो कि 2000 पर मंथ, अब फिर यहां प्रॉब्लम हो गया, 2000 ना फर्स्ट डे दिया, ना मिड डे दिया, ना लास्ट डे दिया, ना फर्स्ट क्वार्टर बोला, ना मिड क्वार्टर बोला, ना लास्ट क्वार्टर बोला, नहीं मालूम। तो 2000 पर मंथ, तो साल भर में कितना हो गया, 1 ईयर में कितना हो गया, 24,000, रेट हमने 10% कॉमन लेके रखे हैं, इंटू 6/12। अब जो भी फिगर आएगा
पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ओके डार्लिंग, अब यहां पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, सब लोग हम लोग थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ था तो क्या था, मिड डे था तो क्या था, लास्ट डे था तो क्या था, 5.5/12। हमको याद नहीं करना है, लेकिन क्या होता है जब कभी कोई चीज शिद्दत से पढ़ो ना तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, याद हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग बता रहे हो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, वाओ, मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर 6/12, मिड मतलब तो समझते ही हो ना, हाँ, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12, और बाकी थ्री टाइप्स ये था 50,000 का 10% रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा है, पर एनम लिखा है तो सिक्स मंथ, और यहां पर मंथ लिखा है लेकिन कब लिया है, क्या लिया है, नहीं दिया है तो भी 6/12। ओके है, तो टोटल अभी 9 टाइप का इंटरेस्ट ड्राइंग आप लोग समझ गए, कितने टाइप समझ गए, 9 टाइप। नॉर्मली इसी में से एग्जामिनेशन में आते हैं सर, अगर बाहर का आएगा तो तभी कुछ कुछ समझा दे रहा हूं, और इससे बाहर का आएगा तो यार आना पड़ेगा भिलाई या बिलासपुर, है ना, तभी फेस टू फेस रूबरू होंगे, और बाहर का आएगा तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या बाहर का आएगा, पूछना भी जरूरी है। अब अगर मान लो कुछ लोग बोलते हैं ईयर एंडिंग 6 मंथली मानूंगा, ईयर का एंड मैं मानूंगा कि 6 मंथ में होता है, ईयर एंडिंग 6 मंथ। अरे लोग हैं आप जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं, देखो हमारे यहां भी जो बैठे हैं है ना, ये ब्लैक ड्रेस पहन के बैठे हैं, वो ब्लैक ड्रेस पहन के बैठे हैं, भाई सब देखो कहां से फूल पत्ती वाला ड्रेस खरीदे यार, एकदम मस्त वाला ड्रेस है, है? कहां से लेके आए, दुकान से लाए थे, चलो ठीक है ना, तो फूल पत्ती का ड्रेस पहने है ना। एनीवे तो कुछ लोग बोलते हैं ईयर एंडिंग क्या मानूंगा मैं, 6 months, 6 महीने, बस 6 महीने में ईयर एंड होगा, कितने मंथ में, ईयर एंडिंग बे कितना मंथली, 6 मंथ, यानी कि अगर मान लो कैलेंडर ईयर है तो 30 जून 1 साल होगा, और फिर अगला 31 दिसंबर 1 साल होगा, ठीक, फिनेंशियल ईयर होगा तो 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 6 महीना, फिर 1 अक्टूबर से एक अलग साल चालू हो जाएगा मार्च तक, ईयर एंडिंग 6 मंथली। अब इसमें भी हम आते हैं, ये हमारा 10th टाइप होगा, ठीक, 1000 पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, क्लियर है, 1000 इंटू 6 कितना हो गया, 6000, रेट कितना है, 10% इंटू 3.5/12 और 3.5 कैसे आएगा सर, 3.5 आएगा जब पहली बार निकाले हो तो 6 मंथ बचा है, बे पहली बार निकाले कितना महीने बचेगा, 6 महीना, और लास्ट बार निकालेगा तो 1 महीना, तो 6+1/2 कर लेना बे कितना आएगा, 3.5, यस एवरेजिंग हो गई, क्लियर है, वैसे चाहो तो 1000 पे 6 मंथ का निकालो, 1000 पे 5 मंथ का निकालो, 1000 पे 4 मंथ, 1000 पे 3 मंथ, 1000 पे 2 मंथ, 1000 पे 1 मंथ निकाल के टोटल करके वही चाहेगा, तो इतना निपटने का मन है या ऐसा इजी वाला, ठीक, समझदार हो, स्मार्ट हो ना, कॉमर्स के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, 1000 पर मंथ लास्ट डे, अच्छा लास्ट डे लिखा गया, मिड डे लिख देता हूं यार, है ना, मिड डे ऑफ ईच मंथ, फिर वही 6000 आएगा, रेट तो हमने 10% रखा ही है, मिड डे तो 3/12, अब 3 कैसे आया, मिड डे निकालोगे तो बचेगा 5.5 और लास्ट का 0.5 इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा, 3, 5.5 प्लस 0.05 कर लोगे डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। यहीं पे हम चलते हैं, अब ये अमाउंट चेंज कर दे रहा हूं, 1000 थोड़ा बोर लग रहा है, 2000 लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ऐसा लिखा हुआ है, बरोबर है, 2000 इंटू 6 कितना आ गया, रेट हमने 10 मांगा माना था, इंटू 2.5/12। अब ये 2.5 कैसे आया, इस पर थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए ना, कि 2.5 कैसे आया, तो लास्ट डे करोगे तो बचेगा कितना, 5 मंथ, और बचेगा 0 मंथ, खुश रहो, कितना आएगा, 2.5, अच्छा लगा कि नहीं, Yes, मजा आ गया, yes, लॉक करूं, yes, तो ये कितने टाइप के हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर देखोगे आप तो
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गए हमारे 11, 12, ये 12 टाइप हो गया है ना। yes. उसके पहले हमने 9 समझा ही था, एक बार रिपीट भी कर लेंगे, फिर 10, 11, 12। अब मैं एक बच्चे को खड़ा करा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि स्मार्टली पूरी बातें आप बोलते जाएंगे। चलिए खड़े हो जाइए। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होने से क्या होता है? 6.5/12। मिड डे 6/12। लास्ट डे 5.5/12। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12। गलत बताएगा तो मारूंगा अभी साले। मिड डे 6/12। लास्ट डे 4.5/12। इसका मतलब ये नहीं कि इसने याद किया है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये अपना सेट हो गया, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट, हाँ भौमिक जी आप बता, सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट दिया हो, क्या दिया हो? ड्राइंग का अमाउंट और रेट के साथ में पर एनम लिखा हो तो क्या करेंगे? 6/12। अरे वाह। और पर एनम नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? वन ईयर का निकाल देंगे, वन ईयर का निकाल देंगे। अगर मान लो ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो अमाउंट दिया है 2000 पर मंथ, बस और कुछ नहीं लिखा है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फिर उसको 6/12 करेंगे। और ईयर एंडिंग अगर 6 मंथली होगा, ईयर एंडिंग 6 मंथ होगा, तो पूरे लोग बताओ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ 3.5/12, मिड डे 3/12, लास्ट 2.5/12। इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग याद किए हो क्या? नो सर। समझे भी हो और दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छे से अगर कोई काम करें तो सब चीज ओके। भौमिक जी सिट डाउन हो जाइए आप, अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। और कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज निकालूंगा उनका कोई नसर है ना पैर है, बड़े कंफ्यूज टाइप। तुम लोगों में बहुत से होते हैं, सीए करूं कि सीएमए करूं कि क्लैट करूं कि तीनों कर लूं कि तीनों नहीं करूं। बहुत सारे लोग तो क्या बोलते हैं कि नया कोर्स है सर, तभी 11 12 सिर्फ कॉमर्स पढ़ लेता हूं, नया कोर्स है तो कौन सी चीज पुरानी होती है? अरे हर चीज नहीं है, हर दिन नया है, हर वक्त नया है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी नया है, कल ना ये दिन था ना होगा ना कभी फिर फ्यूचर में आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो आते हैं हम लोग, चलो जो कंफ्यूज पर्सनालिटी है, रेट तो हमने 10% कॉमन ले ही लिया है। अब मान लो ईयर एंडिंग हम मान रहे हैं 31 मार्च, अब 1 अप्रैल 22 को निकाला ये 1000, ठीक है। फिर भैया 30 जून को निकाला 5000, फिर 1 अक्टूबर को निकाला 4000, फिर 31 दिसंबर को निकाला 2500, फिर 1 मार्च को निकाला, ये 23 आ गया है, 1 मार्च को निकाला 1500। पूरी तरीके से कंफ्यूज है, पूरी तरीके से। कोई अगर आप लोग के दिमाग में कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा। तो 1 अप्रैल को निकाला तो इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 जून निकाला है, 30 जून से मार्च तक कितने महीने होंगे? 9। वेरी नाइस यार। अक्टूबर निकाला है तो 6 मंथ, दिसंबर निकाला है 3 मंथ, मार्च में निकाला है 1 मंथ। अब सबको हमने मंथली चेंज कर दिया तो ये आ गया अपना 12,000, ये आ गया 45,000, टेबल आता है ना बे? Yes, sir. ये आ गया 24,000, हमारे सरदार जी इंटेलिजेंट है, ये हो गया, अब इज्जत पे लगी, ये आ गया 15,500। अब टोटल करेंगे हम लोग इन सब का, क्या करेंगे? टोटल, जो भी टोटल, चलो टोटल भी कर ही लेते हैं यार, आप लोग तो फास्ट हो, थोड़ा बताओ। परेशान है बच्चे, टोटल ही नहीं हो पा रहा है, क्या करें सर? नहीं नहीं, इसमें देख लो कुछ गड़बड़ किए हो आप लोग टोटल में। 500 हाँ बोलिए, क्या टोटल आ रहा है बताइए? टोटल ही नहीं हो पा रहा है आप लोग से यार, क्या बताओगे आप लोग, बताओ टोटल, देखो सब लोग है ना, टोटल ही नहीं कर पा रहे हो, बोलो। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, चलिए अब कर लेते हैं बच्चे टाइप। ये हो गया 500 तो रहेगा ही, अब ये टोटल कर लो, 6 और 1 7 हो गया, और 4 11 हो गया, और 5 11 और 5 16, और 2 8 हो गया, कैरी कर लो 1 2 और 1 3 3 और 4 7 और 1 8 88,500। क्या बच्चे भाई, टोटल करने का आदत डालो बे, बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सीए सीएमए सीएस जब करोगे तो कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। तो ये टोटल करने की आदत, इतना टाइम लगा दिए तुम लोग, सर आप ही क्यों नहीं टोटल कर लिए?
सब मैं ही करूंगा, क्या बोर्ड का एग्जाम मेरे को देना है बे? 88,500 रेट जो था वो 10% था, और इसको मंथली चेंज कर लिया इसलिए 1/12, मंथली चेंज कर लिया इसलिए 1/12। यहां डिसिमिलैरिटी थी डेट में सिस्टम में, तो सबको मंथली चेंज करते हैं इंटू 1/12 करते हैं। क्लियर है? ये हमारा 13 टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था। बाकी जो एक दो चीजें और होगी डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे, आप लोग के मन में अगर कुछ भी होगा। इस 13 टाइप के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में कुछ भी डाउट है क्या? कुछ भी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, किसी के मन में भी है कि सर ऐसा है तो कैसा है, या जो भी आपके दिमाग में है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो करेंट के डेबिट में जाएगा। और बोर्ड में कई बार सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट करने के लिए आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये 13 टाइप है, और अगर कोई आपके दिमाग में होगा या कोई डाउट निकलेगा उसको हम लोग डाउट सेशन में जरूर क्लियर करेंगे। और आप लोग जब वीडियो देखेंगे नीचे अगर आप अपने कॉमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे तो मैं वैसा वीडियो फिर बना के आपको डाल दूंगा कि सर ये डाउट है, उस डाउट के लिए मैं आपको ये पूरी चीज बता दूंगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओके है? यस सर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, कई रोलू लोग होते हैं ना, रोलू लोग के लिए करेंगे कि पार्टनर को अगर प्रॉफिट की गारंटी हो तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट की थोड़ी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को 4-5 वीडियो में फंडामेंटल को खत्म कर दें। ओके, यस सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक।